नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और मैं फिर आ गई आप लोगों के लिए एक और बहुत ही खूबसूरत मोती वाला तोरण डिज़ाइन लेके। और इसे मैंने मोती के साथ बनाया है, आप चाहे तो बिना मोती के भी इसे तैयार कर सकते हैं। तोरण बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 प्लाई का 2 गोला तैयार कर लिया है। फिर दोनों गोला को मिलाकर इस तरीके से मैंने 1 गोला तैयार कर लिया है। और अब हम बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम सुई की मदद से मोती डालेंगे। तो अभी मैं तोरण पट्टी के हिसाब से ही मोती डाल रही हूँ। और मैंने जो तोरण पट्टी बनाया है तो उसका जो लंबाई है वो लगभग 30 इंच है, 30 इंच है। और इसमें मैंने टोटल 91 लाइन तैयार किया है। और मोती इसमें मैंने टोटल 178 मोती इसमें मैंने डाला है। पट्टी बनाते समय मैं आपको और अच्छे से बताते जाऊंगी। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो इस तरीके से पहले हम मोती डाल देंगे। मोती और ऊन का कलर आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। और मोती के हिसाब से यहाँ मैंने 1.00 mm क्रूश लिया है। और बुनने के लिए मैंने यहाँ पर 4 नंबर का क्रूशिया लिया है। मैंने यहाँ पर 2 प्लाई ऊन को ही 2 गोला बना करके, फिर 1 गोला बना करके 4 प्लाई ऊन करके फिर मैंने ये तोरण को बनाया है। ऊन जो है आप अपने हिसाब से पतला या मोटा ले सकते हैं, डिज़ाइन हमारा तैयार हो जाएगा। सबसे पहले हम तोरण पट्टी बनाएंगे। तो इसके लिए हम टोटल 17 चैन तैयार करेंगे। तो इस तरीके से हम चैन बनाएंगे। और यहाँ मैंने जो तोरण पट्टी बनाया है उसका जो लंबाई है वो डिज़ाइन के हिसाब से लगभग 30 इंच है। तो इस तरीके से हम पहले 17 चैन तैयार कर लेंगे। और इसके बाद ऊपर से 3 चैन को छोड़कर चौथे वाले जो हमारा 4th चैन है वहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। क्रूस में फंदा लेंगे, चैन में डालते हुए हम फंदे को निकालेंगे, फिर क्रूस में फंदा लेंगे 3 का 2, फिर से क्रूस में फंदा लेंगे 2 का 1। तो ये हमारा डबल क्रूशिया हो गया। इसी तरीके से हमें सभी चैन में डबल क्रूशिया बनाना है। और फ्रेंड्स, हमने जो शुरू में 3 चैन छोड़ा था वो हमारा 1 डबल क्रूशिया होगा। और उसी चैन के हिसाब से जितना उसका लंबाई है उसी के हिसाब से ही हम सभी डबल क्रूशिया का लंबाई भी रखेंगे, तभी हमारा पहला लाइन जो है अच्छे से तैयार होगा। तो इस तरीके से हम सभी चैन में डबल क्रूशिया बनाते जाएंगे। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। टोटल हमारा 15 डबल क्रूशिया तैयार होगा। तो ये देखिए, ये हमारा टोटल 15 डबल क्रूशिया तैयार हो गया। अब हम इसके आगे डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे जो हमारा 1 डबल क्रूशिया होगा। इसके बाद हम डिज़ाइन को पलट देंगे। और इसके बाद नीचे से ये जो हमारा हमने पहला के ऊपर 3 चैन बना लिया, दूसरा से हम बनाना शुरू करेंगे। तो 1 डबल क्रूशिया हमारा हो गया। नीचे से दूसरे डबल क्रूशिया के ऊपर हम एक और बनाएंगे, तो 2 हो गया। इसके बाद ये 3 हो गया। इसके बाद ये 4 हो गया। और ये 5। टोटल हमारा 5 डबल क्रूशिया एक तरफ तैयार हो गया। इसी तरीके से हम दूसरे तरफ भी 5 डबल क्रूशिया बनाएंगे और बीच में हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो अभी हम यहाँ पर 2 चैन बनाएंगे। और यहाँ पर मैं एक मोती लगा रही हूँ। अगर आप मोती नहीं लगाना चाहते हैं तो बिना मोती का भी आप तैयार कर सकते हैं। तो 2 चैन हमारा हो गया। इसके बाद हम इस तरीके से मोती को लगा देंगे। हमने मोती लगा दिया। इसके बाद हम नीचे से हम 1 और ये 2 चैन को छोड़कर तीसरे वाले चैन में जो हमारा 3rd वाला चैन है, 1 2 3, ये 3rd वाला चैन में हम 4 डबल क्रूशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 1 हो गया 2 3 और ये 4। इसके बाद हम फिर से 2 चैन लगाएंगे जैसे कि हमने पहले किया था, 2 चैन और 1 मोती। मोती हमने लगा दिया। और इसके बाद हम
फिर से नीचे से दो चैन को छोड़कर तीसरे वाले थर्ड वाले चैन से हम बनाना शुरू करेंगे और उस तरफ भी हमें पांच डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारा वन हो गया, टू, थ्री, फोर और ये फाइव। हमने जो तीन चैन किया था तो उसमें से भी हम एक निकाल देंगे, तो टोटल हमारा पांच डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम तीन चैन बना देंगे हमारे दूसरे लाइन के लिए। तो ये हमारा पहला लाइन तैयार हो गया और बस इसी तरीके से हमें बनाते जाना है। तो हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया, ये हमारा दो हो गया, तीन, चार और ये पांच। इसके बाद हम दो चैन लगाएंगे और इसमें हम एक मोती लगा देंगे। हमने मोती लगा दिया। अब हम ये जो हमने नीचे चार डबल क्रोशिया बनाया था तो उसके बीचों बीच हम फिर से चार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा एक हो गया, दो, तीन और ये चार। चार डबल क्रोशिया हमारा हो गया। इसके बाद हम दो चैन लगाएंगे और इसमें हम एक मोती लगा देंगे। मोती हमने लगा दिया। इसके बाद हम फिर से इस तरफ भी पांच डबल क्रोशिया के ऊपर हम पांच डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो बस इसी तरीके से हमें आगे बनाते जाना है। मोती वाला हमें टोटल 89 लाइन तैयार करना है। बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा, तो मैं आपको पूरा तोरण पट्टी बना करके फिर आपको अच्छे से दिखाती हूँ। तो ये हमारा पूरा तोरण पट्टी जो है तैयार हो गया। अब हम लास्ट वाला लाइन बनाएंगे, जैसे कि हमने शुरू में बनाया था उसी तरीके से हमें बनाना है। यहाँ मैंने मोती वाला टोटल 89 लाइन तैयार कर लिया है यहाँ तक, और इसके बाद हम लास्ट वाला लाइन बनाएंगे, जैसे कि हमने शुरू में यहाँ पर 15 डबल क्रोशिया रखा था उसी तरीके से हमें इस तरफ भी बनाना है। तो पहले हम वो बना लेते हैं और तुरंत पट्टी हमारा पूरा तैयार हो जाएगा। तो फिर से हम यहाँ पर तीन चैन बनाएंगे जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। इसके बाद हम डिज़ाइन को पलट देंगे और फिर हम चार डबल क्रोशिया और बना लेंगे, तो टोटल हमारा पांच हो जाएगा। पांच हमारा हो गया। इसके बाद हम बीच में यहाँ से हम पांच निकाल लेते हैं, तो ये हमारा छः हो गया, सात, आठ, नौ, इसी में से हम एक और निकाल लेते हैं, दस। टोटल हमारा दस हो गया और इसके बाद जो हमारा किनारे है वहाँ से हम पांच निकाल देंगे, तो टोटल हमारा 15 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा, जैसे कि हमने शुरू में बनाया था। तो ये हमारा 11 हो गया, यहाँ से एक हम निकाल लेते हैं, 12,
13, 14 और किनारे से एक हम निकाल लेते हैं, टोटल हमारा 15 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से पूरा तैयार हो गया, तोरण पट्टी हमारा बन गया। अब हम नीचे का डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हम जो किनारे का जो पहला लाइन है इसे हम छोड़ देंगे और दूसरा लाइन से हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से हम ऊपर वाला भाग को पकड़ते जाएंगे और जो हमारा दूसरा वाला लाइन है वहाँ तक हम जाएंगे, फिर हम डिज़ाइन बनाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर जब नीचे का आप डिज़ाइन बनाइएगा तो फिर से आप उसी तरीके से मोती डाल दीजिएगा जैसे कि मैंने शुरू में डाला था, और उसके बाद हम आगे बनाएंगे। तो अभी हम यहाँ पर 3 चैन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे जो हमारा 4 डबल क्रोशिया होगा, और इसके बाद हम 3 चैन के बाद हम यहाँ पर एक मोती इस तरीके से लगाएंगे और इसके बाद हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे जो टोटल हमारा 4 डबल क्रोशिया हो जाएगा। मैंने किनारे में भी मोती लगाया है, आप चाहे तो नहीं भी लगा सकते हैं, बस आप बीच में लगा सकते हैं। तो ये हमारा 4 हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर 2 चैन बनाएंगे, 1 और ये 2। नीचे से हम फिर एक डिज़ाइन को छोड़कर दूसरे वाले डिज़ाइन में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 1 हो गया, 2, 3 और ये 4। फिर से हम 2 चैन लगाएंगे और नीचे से एक डिज़ाइन को छोड़कर दूसरे वाले डिज़ाइन में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हम 7 बार बनाएंगे, 7 बार हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ मैंने नीचे डिज़ाइन में टोटल 144 मोती डाला है। और फ्रेंड्स, जब भी आप मोती डालिएगा तो थोड़ा से ज़्यादा से करके मोती डाल दीजिएगा तो हमें बनाने में आसानी होता है। अगर ज़्यादा होता है तो हम आराम से उसे कम कर सकते हैं, और कम हो जाने से फिर हमें ऊन कट करके फिर से जोड़ना पड़ता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हमने 7 बार 4 4 डबल क्रोशिया तैयार कर लिया और हमारा एक भाग तैयार हो गया। टोटल हमें 6 भाग बनाना है, एक हमने बना लिया। इसके बाद हम दूसरा भाग बनाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर टोटल यहाँ पर 8 चैन और 1 मोती लगाएंगे। अगर आप मोती नहीं लगा रहे हैं तो बिना मोती का भी आप बना सकते हैं। तो हमने 8 चैन लगा दिया। इसके बाद हम नीचे से 1 और ये 2, ये 1 और ये 2 डिज़ाइन को छोड़कर तीसरे वाले डिज़ाइन से हम फिर से 7 बार 4 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे और हमारा दूसरा भाग जो है तैयार हो जाएगा। तो यहाँ हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम यहाँ पर 2 चैन लगाएंगे, नीचे से एक डिज़ाइन को छोड़कर दूसरे वाले डिज़ाइन में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हम 7 बार बना लेंगे। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। शुरू में हमने एक मोती के साथ 7 बार 4 4 डबल क्रोशिया बनाया, फिर नीचे हमने 2 डिज़ाइन को छोड़कर ऊपर हमने 8 चैन और 1 मोती लगाया। इसके बाद फिर से हम 7 बार बनाएंगे, फिर से हम 8 चैन लगाएंगे, फिर से 7 बार बनाएंगे, फिर से 8 चैन। तो इस तरीके से हम 6 भाग में डिज़ाइन को पूरा तैयार कर लेंगे। तो मैं आपको पूरा यहाँ तक तैयार करके दिखाती हूँ। जैसे हमने शुरू में एक लाइन छोड़ा था उसी तरीके से लास्ट में भी हमारा एक लाइन छूटेगा। तो ये देखिए, ये मैंने पूरा लास्ट तक डिज़ाइन बना लिया। ये हमारा एक भाग हो गया, फिर हमने बीच में 8 चैन लगाया और 1 मोती,
और ये हमारा दूसरा भाग तैयार हो गया। और ये हमारा तीसरा भाग तैयार हो गया। और ये हमारा चौथा भाग तैयार हो गया। और ये पांचवा भाग तैयार हो गया। और लास्ट में ये हमारा छठा भाग तैयार हो गया। बस इसी तरीके से हमें बनाते जाना है। किनारे हम एक लाइन छोड़ देंगे जैसे कि हमने शुरू में छोड़ा था यहाँ पर। और जैसे हमने किनारे में मोती लगाया था उसी तरीके से अभी हमें यहाँ पर मोती लगाना है। उसके बाद हम दूसरा जो लाइन है इसके ऊपर वो तैयार करेंगे। तो मोती लगाने के बाद ये जो हमारा जाली है यहाँ पर हमने टोटल 7 बार बनाया है, तो यहाँ पर हमारा 6 जाली तैयार होगा। तो जाली के बीच में अभी हमें बनाना है। पहला लाइन में हमारा 7 बार हमने बनाया, फिर हम 6 बार बनाएंगे, फिर 5 बार, फिर 4 बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार, इस तरीके से। तो इसके लिए हम पहले यहाँ पर चैन पकड़ते हुए बीचों बीच जाएंगे, जो हमारा पहला जाली है वहाँ तक जाएंगे। अभी हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे, जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। इसके बाद हम मोती लगा देंगे जैसे कि हमने नीचे पहला लाइन तैयार किया था। और इसके बाद हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो टोटल हमारा 4 डबल क्रोशिया हो जाएगा। ये हमारा 4 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम 2 चैन लगाएंगे और फिर हम दूसरे जाली में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बस इसी तरीके से हमें इस लाइन में टोटल 6 बार 4 डबल क्रोशिया तैयार करना है 2 चैन के साथ। तो ये हमने 6 बार बना लिया। ये हमारा छठा है। तो ये हमने सभी जाली में 4 4 डबल क्रोशिया बना लिया। टोटल हमने 6 बार बनाया। नीचे हमने 7 बनाया था पहला लाइन में, फिर हम 6 हमने बनाया, उसके बाद हम 5 बनाएंगे, फिर 4 3 2 1, इस तरीके से डिज़ाइन जो है हमारा बढ़ते जाएगा। और यहाँ पर ये जो हमने 8 8 चैन बना करके एक मोती लगाया था, तो यहाँ पर हम 8 चैन हैं, तो दूसरा लाइन में हम 16 चैन बनाएंगे, तीसरा लाइन में हम 24 चैन बनाएंगे और एक एक मोती हम बढ़ाते जाएंगे। तो पहला लाइन में हमने 8 बनाया था, तो इस लाइन में हम 16 चैन बनाएंगे और इसमें हम 2 मोती लगा देंगे। तो ये हमारा 16 चैन हो गया। इसमें हम 2 मोती लगाएंगे और मोती लगाने के बाद इसे हम थोड़ा सा इस तरीके से सेट कर लेंगे। और इसके बाद हम फिर से दूसरे भाग में 6 बार 4 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे कि हमने शुरू में बनाया था। तो बस इसी तरीके से ये हमें दूसरा लाइन पूरा तैयार करना है।
हमने दूसरा भाग तैयार कर लिया, इसी तरीके से हम तीसरा भाग तैयार करेंगे। डिज़ाइन हमारा इसी तरीके से तैयार होगा और मैं आपको पूरा लास्ट तक दूसरा लाइन जो है बना करके फिर अच्छे से दिखाती हूँ। यहाँ मैंने दूसरा लाइन जो है पूरा लास्ट तक तैयार कर लिया, अब हम इसके आगे बनाएंगे। जैसे हमने नीचे बनाया था उसी तरीके से हम फिर से किनारे में यहाँ पर एक मोती लगा देंगे। तो यहाँ पर हम एक मोती लगाएंगे और मोती लगाने के बाद हम फिर से ऊपर वाला जो चैन है उसे पकड़ते हुए हम पहला वाला जाली तक जाएंगे। तो इस तरीके से हम चैन को पकड़ते हुए पहला जाली तक जाएंगे और यहाँ पर हम फिर से तीन चैन बनाएंगे। तीसरा लाइन में हमारा पांच जाली तैयार है, तो पांच जाली में हम चार चार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो किनारे पे पहले हम तीन चैन बना करके इसमें हम एक मोती लगा देंगे और इसके बाद हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे कि हमने नीचे बनाया था। तो ये हमने इस तरीके से यहाँ पर मोती लगा दिया और मोती लगाने के बाद हम इसमें तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो टोटल हमारा चार डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। बस इसी तरीके से हम पांच जाली में चार चार डबल क्रोशिया तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने पांच जाली में चार चार डबल क्रोशिया बनाया। अब हम चैन के साथ मोती बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने आठ चैन बना के एक मोती लगाया, उसके बाद हमने 16 चैन बना के दो मोती लगाया और अब हम 24 चैन बना करके तीन मोती लगाएंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर चैन कितना रखना है, मोती कितना लगाना है, सब आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी 24 चैन करके इसमें तीन मोती लगाऊंगी और यहाँ मैं हर एक लाइन में आठ आठ चैन को बढ़ाते जा रही हूँ। तो यहाँ पर टोटल मैंने 24 चैन बना लिया और इसमें मैं तीन मोती लगाऊंगी। और इसके बाद मोती लगाने के बाद हम फिर से दूसरा जो भाग है उसमें जो हमारा पांच जाली है उसमें हम चार चार डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे जैसे कि हमने पहले किया था। तो बस इसी तरीके से हमें बनाते जाना है। और फ्रेंड्स, आप ये डिज़ाइन जो है एक बार ज़रूर बनाइएगा। इसे बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसमें समय भी बहुत कम लगता है। फटाफट से आप तोरण जो है तैयार कर सकते हैं और इसमें कलर जो है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। आप चाहे तो एक कलर से या फिर दो कलर से भी आप तोरण तैयार कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम सभी जाली में चार चार डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। हमने पांच जाली में चार चार डबल क्रोशिया बना लिया। इसके बाद हम फिर से 24 चैन बनाएंगे और इसमें हम तीन मोती लगाएंगे। तो बस ऐसे ही हमें ये लाइन पूरा तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा बना करके फिर अच्छे से दिखाती हूँ।
डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। नीचे हमने 7 बार बनाया, उसके बाद हमने 6 बार बनाया, फिर अभी हम 5 बना रहे हैं, फिर हम 4 बनाएंगे, फिर 3 बनाएंगे, फिर 2 बनाएंगे, फिर 1 बनाएंगे, इसी तरीके से। और बीच वाला जो चैन है, ये वाला चैन, ये हमारा 8-8 चैन बढ़ते जाएगा और एक एक मोती हमारा बढ़ते जाएगा। मैं आपको पूरा लास्ट तक बना करके फिर अच्छे से दिखाती हूँ। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। मैंने यहाँ पर लास्ट तक डिज़ाइन बना लिया है और आप चाहे तो बस इतना तक ही बना करके फिर नीचे आप झालर लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक लाइन और बनाया है, तो वो कैसे बनाना है मैं आपको बना करके दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से अभी हमने टोटल 7 बार 7 लाइन में डिज़ाइन को तैयार किया है और मैं एक लाइन और बनाऊँगी। अभी मैं आपको डिज़ाइन को सीधा करके दिखा देती हूँ कि डिज़ाइन हमारा देखने में इस तरीके से लगेगा और फ्रेंड्स ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, तो आप ज़रूर बनाइएगा। और अभी मैं इसके नीचे एक लाइन और बनाऊँगी। तो इसके लिए हमने जो किनारे में ये जो 4 डबल क्रोशिया बनाया है, तो इसके बीचों बीच हम फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सबसे किनारे वाला हमारा ये डिज़ाइन है, तो इसके लिए हम 3 चैन और एक मोती लगाएंगे, फिर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे जो हमारा 4 डबल क्रोशिया हो जाएगा, जैसे हमने नीचे बनाया था उसी तरीके से। तो ये हमारा 3 डबल क्रोशिया हो गया। एक और हम बना लेते हैं, तो ये हमारा 4 डबल क्रोशिया हो गया। अभी हम चैन बनाएंगे। पहला लाइन में हमने 8 चैन बनाया था, उसके बाद हमने 16 बनाया था, फिर हमने 24 बनाया था, तो इसी तरीके से अभी हम 8वां लाइन बना रहे हैं। तो अभी हम टोटल 64 चैन बनाएंगे और मोती भी हमने हर एक लाइन में एक एक हमने बढ़ा दिया था, तो इस लाइन में हम टोटल 64 चैन बनाएंगे और साथ ही हम 8 मोती इसमें डालेंगे। इसके बाद ये जो हमारा 4 डबल क्रोशिया है, इसके बीच में हम फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा 2 हो गया, 3 और ये 4। इसके बाद हम फिर से चैन बनाएंगे और इसमें हम मोती लगाएंगे। तो ऐसे ही हमें ये लाइन जो है पूरा तैयार करना है, तो मैं आपको पूरा तैयार करके फिर अच्छे से दिखाती हूँ। डिज़ाइन हमारा पूरा तैयार हो गया। अब हम इसके नीचे झालर बनाएंगे और यहाँ मैंने सभी डिज़ाइन के नीचे 2-2 झालर लगाया है। अब चाहे तो 3 या फिर 4 झालर भी लगा सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर झालर जो है कैसे लगाना है बना के दिखा देती हूँ। पहले हम किनारे में मोती लगा देंगे और इसके बाद हम डिज़ाइन को पलट देंगे, फिर हम चैन को पकड़ते हुए ये जो हमारा 4 डबल क्रोशिया हमने बनाया है, तो इसके बीचों बीच हम जाएंगे और यहाँ पे हम झालर बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं 2 झालर लगाऊंगी। तो पहला झालर का जो लंबाई है वो मैं चैन बना के ही बनाऊंगी, और इसका जो लंबाई आपको कितना रखना है और इसमें आपको मोती कितना लगाना है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ मैंने 60 चैन का लंबाई रखा है और इसमें मैंने 2 मोती लगाया है। तो इस तरीके से हम चैन बनाते हुए झालर तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पर चैन बना लिया, फिर इसमें 2 मोती लगाएंगे, फिर हम थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे और फिर हम मोती को इस तरीके से सेट कर लेंगे। तो ये हमारा एक झालर जो है तैयार हो गया। इसी तरीके से इसमें हम एक और झालर बनाएंगे और फिर नीचे ये जो हमने थोड़ा सा ऊन छोड़ा है इसमें हम झालर बना करके लगाएंगे। तो अभी मैं इसी में एक और चैन बनाते हुए झालर तैयार करूँगी। तो इस तरीके से हम पहले ऊन को जोड़ लेंगे और आप चाहे तो जैसे कि मैंने पहला वाला में 60 चैन बनाया है, तो इसमें आप चाहे तो थोड़ा कम या फिर ज़्यादा करके चैन आप बना सकते हैं, या फिर बराबर करके भी आप चैन रख सकते हैं, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो यहाँ मैंने 60 चैन का ही, दोनों का जो लंबाई है वो मैंने 60 चैन का ही रखा है।
फिर से हम मोती डालने के बाद थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे और यहाँ पर इसे हम इस तरीके से बांध लेंगे। और इसके बाद ऊपर का जो ऊन है इसे हम पीछे की तरफ अच्छे से बांध लेंगे और नीचे जो हमने ये थोड़ा सा ऊन छोड़ा है इसमें हम झालर लगाएंगे। बस इसी तरीके से पहले हम चैन वाला दो दो झालर जो है बना लेते हैं। जितना भी हमारा डिज़ाइन है तो हमारा टोटल 6 डिज़ाइन है, तो 6 डिज़ाइन के नीचे हम दो दो चैन वाला पहले झालर लगा लेते हैं और इसके बाद हम नीचे एक और झालर इसमें जोड़ेंगे। तो मैं आपको सभी में दो दो चैन वाला झालर बना करके फिर अच्छे से दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने सभी में चैन वाला पहले झालर बना लिया और इसके बाद नीचे इस तरीके का झालर बना करके लगा दिया। और फ्रेंड्स मेरे पहले के बहुत सारे वीडियो में ये झालर कैसे बनाया जाता है मैंने आपको बताया था, तो उसका वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी और साथ ही कमेंट में भी पिन करके लिख दूंगी ताकि आपको मिल जाए और आप ये पूरा डिज़ाइन बना सकें। और इसके बाद हम ये जो हमने नीचे थोड़ा सा ऊन छोड़ा था तो यहाँ पर हम सुई की मदद से झालर को जोड़ देंगे। अगर आपको इस तरीके का झालर नहीं लगाना है तो इसके जगह पर आप पॉम्पम बना करके भी लगा सकते हैं, वो भी देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखिए, ये मैंने नीचे का झालर जोड़ दिया और हमारा पूरा तोरण जो है तैयार हो गया। हमारा बहुत ही खूबसूरत मोती वाला तोरण तैयार हो गया। और फ्रेंड्स मैं अभी जितना भी तोरण बना रही हूँ सभी मैं फेस्टिवल के लिए तैयार कर रही हूँ। अभी बहुत सारा फेस्टिवल आ रहा है, दुर्गा पूजा, दिवाली, तो सभी के लिए मैं तोरण बना रही हूँ। यहाँ मैंने पीला रंग का तोरण बनाया है और आप चाहे तो हमने जो ये 6 भाग में डिज़ाइन तैयार किया है तो इसके ऊपर आप चाहे तो गुलाब फूल या कोई भी आप क्रूशिया से फूल बना करके भी बीच बीच में लगा सकते हैं, देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। और अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। और इसके पहले भी मैंने एक और तोरण का डिज़ाइन डाला था जिसे आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया। तो फिर हम मिलते हैं एक और नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।